सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में तीन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। दूसरों के छांव में खड़े रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई के लिए हमें खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। पिता से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं, माँ से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई सलाहकार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। आज का पंचांग 7 मई 2024 दिन मंगलवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 11:41 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र दोपहर 3:32 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:38 से 5:15 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मेष राशि पर ही रहेंगे। 7 मई 2024 दिन मंगलवार, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छे संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे। छात्रवृत्ति भी मिल सकती है, कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्र करने में सावधान रहें। मन मस्तिष्क पर संतुलन रखना आपको निर्णय लेने में सहायता करेगा। दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए बजट का भी ध्यान जरूर रखें, इससे निश्चित ही आप कामयाब होंगे। रिश्तेदारों के साथ भी संबंधों में और अधिक मधुरता हो सकती है। अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके जीवन में बदलाव करने की पूरी कोशिश करें। लोग आपको लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। जो लोग आपको महत्वपूर्ण लगते हैं उन लोगों को ठीक से समझें। अपना पक्ष समझाने की कोशिश करें। आपको खामोश रहते हुए प्रयत्न जारी रखने होंगे। महिलाओं को काम के अनुसार प्रगति मिलेगी। काम की क्वालिटी में सुधार करना होगा। रिलेशनशिप संबंधी चिंता दूर होगी। सेहत अचानक से बिगड़ने की भी संभावना है, सतर्कता रखें। प्रभाव के साथ धन में वृद्धि होगी। आधुनिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और समस्याओं का समाधान होगा। धार्मिक आयोजन में व्यय होगा। विरोधियों को अपने पक्ष में करने में आप सफल होंगे। सावधानियां, अपनी भावनाओं और उदारता जैसी कमजोरी पर विजय पाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वजह से कुछ लोग आपका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही फिजूल खर्ची में भी कटौती करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आप आज बहुत भावनात्मक महसूस करेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाएं आपके दिमाग को घेरे रहेगी, इसलिए फिलहाल अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में कोई भी फैसला करना अभी ठीक नहीं होगा। हालांकि यह समय प्यार और रोमांस के लिए बहुत अच्छा है, खासकर अगर आप किसी समर्पित संबंध में हैं। जो अकेले हैं वे आज अपने आप को किसी की ओर भी आकर्षित महसूस करेंगे, जो उनमें थोड़ी सी भी रुचि दिखाएगा। बात करते हैं करियर की। सफलता और प्रशंसा आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आपने कोई निवेश किया है तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए निवेश की योजना को आज ठंडे बस्ते में डाल दें और शुभ समय का इंतजार करें। जो लोग अध्ययन में कार्यरत हैं उनकी मेहनत का फल पाने के लिए ये एक अच्छा समय है। यही चीज काम कर रहे पेशेवरों के लिए भी लागू होती है। नौकरी और बिजनेस में सावधान रहना भी आज जरूरी है। बेहतर होगा अपनी कार्य प्रणाली पर पुनः विचार विमर्श करें। हालांकि अभी की गई मेहनत के परिणाम निकट भविष्य में सफलतादायक रहेंगे, इस समय कार्य स्थल पर ज्यादा समय देने की कोशिश जरूर करें, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करती है सेहत की। आप अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनाएं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी हो और आप संक्रमणों से बच सकें। आज के समय में संक्रमणों का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए आपको अपने भोजन में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों को सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए।
आपको एलर्जी पैदा करने वाली चीजों से दूर रहने का भी ध्यान रखना चाहिए। पानी का संतुलित सेवन भी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इन सभी सावधानियों के साथ आप अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। आज का उपाय, आज जब भगवान हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।